जानते हो दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? सत्य ढूंढना। आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सत्य वो ऐसे नहीं मिलता। लोग कहते हैं उसके लिए आपको सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है, आपको उसके लिए मंत्र जाप करने पड़ते हैं, आपको उसके लिए श्वासों पर ध्यान देना होता है, आपको सत्य खोजने के लिए सुनने में उतरना होता है। लेकिन ये वो विधियां हैं जो किन्हीं लोगों ने अपने लिए खोजी थी। तो क्या उनकी विधियों से हम पार हो पाएंगे? अगर ऐसा होता तो आज सारी दुनिया बुद्ध के रास्ते पर चल रही होती, श्री कृष्ण के रास्ते पर चल रही होती, ओशो के रास्ते पर चल रही होती। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों की बातों को मान के, इनके रास्ते को अपना के परम तक पहुँचे हैं, लेकिन वो वही लोग हैं जिनका स्वभाव इनके स्वभाव से मेल खाता था। लेकिन हर इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, तो हर इंसान के लिए एक अलग विधि होती है। जैसे किसी समय में हमारे पूर्वजों ने 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र किया था, 33 करोड़ देवी देवता बनाए थे, हर आदमी, हर स्त्री, हर बच्चे के लिए एक देवी या देवता, ऐसे ही हर इंसान के लिए अपनी एक ध्यान विधि होनी चाहिए। तो क्या आप अपने लिए कोई ध्यान विधि जानते हैं? क्या आपने कभी इस चीज पर काम किया है? अगर नहीं किया तो शुरू कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। अब मैं एक ध्यान विधि का उपयोग करके ही बोल रहा हूँ, और ये ध्यान विधि है वाक् संतुलन। इसमें हमें अपने गले पर ध्यान देना होता है और जो भी आवाज़ आती है उसको स्वीकार करना होता है। जब हम इस आवाज़ को स्वीकार करते हैं तो हमारा गला प्रसन्न होता है। ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, इसकी सारी कोशिकाएं जीवित हैं। अगर वो आपसे नाराज़ हो जाएं तो आपको गले का कैंसर दे सकती हैं। अगर वो आपसे खुश रहें तो आपको आवाज़ के टैलेंट से नवाज सकती हैं। आप देखो ना, असल ज़िंदगी में जो इंसान खुद से ज़्यादा नफ़रत करता है उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता। जो इंसान खुद से प्यार करता है उसका शरीर 100 साल की उम्र तक भी अच्छे से चलता है। क्या समझे? अपने लिए ध्यान विधि बनानी है? बनानी है तो तरीका खोजना होगा, तरीका मिलेगा सदगुरु से। सदगुरु आपके अंदर ही है, तो सबसे पहले अपने सदगुरु को खोजना होगा। कैसे खोजेंगे सतगुरु? क्या किसी ध्यान शिविर में मिल जाएगा? क्या किसी पहाड़ की चोटी पर मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? अपने घट में कैसे मिलेगा? आँखें बंद करके, अरे कहाँ मिलेगा? जरा खोजो, 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 खोजो।